Good morning, students. Class 7, subject math. Chapter 2, exercise 2.2. Question number 4, देखिए 5. ये question ये देखिए 7 upon 9 of 621. Of means है multiply. तो of की जगह लाए multiply के sign. फिर 7 upon 9 into 621. जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे लाते हैं 1. अब हमने यहाँ क्या किया कि 9 से 621 को divide किया. तो क्या आया 69. अब बच्चा 7 into 69 multiply किया तो आया 483. ये हमारा answer है. बी देखिए 3 upon 11 of 803. इसमें भी same ऐसे करना है, of की जगह multiply, फिर 11 से divide किया 803 को, 73 आया. 3 into 73 को multiply किया 219. बाकी के अपने आप करना है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसे बताना है greater than. ये दिया 4 upon 5 of 7 upon 16 और 2 upon 3 of 9 upon 11. इसे बताना है 4 upon 5 of 7 upon 16 और 2 upon 3 और 9 upon 11 में कौन सा बड़ा है, greater than. पहले of की जगह multiply आया, 4 से divide किया, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16. क्या बच्चा 7 into 1, 7 बन जा 7, 5 into 4, 5 4 जा 20. सेकंड देखिए 2 upon 3 of की जगह multiply 9 upon 11, 3 से divide किया, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 2 into 3, 1 into 11, 3 2 जा 6, 6 upon 11. अब हम इसे पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी greater than है, तो हमने 7 को 20 से डिवाइड किया. देखो पहले 7 छोटा है, 20 बड़ा है, तो आसानी की 0 पॉइंट आया 0, 20 3 जा 60, 7 में से 60 माइनस करें 1, 0 पॉइंट लगाने के बाद एक 0 अपने आप ला लेंगे, फिर 25 जा 100, यह है 0.35. अब 6 को 11 से करा, 6 भी छोटा है 11 से, तो नाजानी की 0 पॉइंट लगाया, 11 5 जा 55, 5 बचा, फिर 0 लगाई, 11 4 जा 46, 6 बचा, 2 पॉइंट पॉइंट क्या 2 डिजिट निकाले हैं, यह है 0.54. अब देखो 5 छोटा है, 5 4 बड़ा है, तो क्या बड़ा हुआ हमारा 2 अपॉन 3 ऑफ 9 अपॉन 11. इसके बाकी के पार्ट्स अपने आप करना है. एक्सरसाइज 2.2